जिसमें पर आप विशेष कलाकारी देख रहे हैं, ये किसी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से तैयार किया गया है। इन खास कलाकृतियों को बलौदा बाजार के कास्ट शिल्पकार डाकेश्वर वर्मा ने तैयार किया है। ये कास्ट शिल्प कला मतलब उड़न आर्ट, अंग्रेजी में बोलोगे तो उड़न आर्ट है, और असल में कास्ट शिल्प कला। इसको लकड़ी से, लकड़ी को काट के बना रहे हैं, लकड़ी को काट काट के बनाते हैं, और जो मन चाहे वो रूप दे देते हैं। मतलब ये चीज नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, हमसे हर चीज बन जाएगा लकड़ी में। वैसे तो डाकेश्वर पेशे से एक सहायक शिक्षक हैं, लेकिन शौक जो न करा दे। मैं क्या राजोत्सव वगैरह में लगाता हूँ स्टॉल, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट देते हैं मेरे को जगह, तो वहाँ बिक्री होता है मान के चलिए। और हस्तशिल्प विकास बोर्ड की तरफ से जगार मिला है ऐसा, मतलब एक ही दो ही जगह लगाता हूँ, बाकी कहाँ से। फिर डाकेश्वर लकड़ी से कोई भी आकृति तैयार कर सकते हैं। इस खास कला को लेकर डाकेश्वर को सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके लिए कोई अवार्ड वगैरह मिला हो? हाँ, मेरे को 2010 में राज्यपाल पुरस्कार मिला था, राज्यपाल पुरस्कार, और शिक्षा विभाग की तरफ से 2017 में मिला है राज्यपाल पुरस्कार, बाकी छोटा मोटा तो और बहुत सारा है। देख सकते हैं कि पेशे से तो शिक्षक हैं, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए कलाकृति कर रहे हैं। कास्ट कला इसे कहा जाता है, भारत में इसको प्रसिद्ध माना जाता है, और पहले भी लोग जो हैं इसको अपनी आकृतियों में, पहले पत्थरों को आप देखे होंगे कि प्राचीन मंदिरों में जो है कलाकृति पत्थरों को तोड़कर अपने हाथों से काटकर बनाया जाता था, वैसे ही लकड़ी को अपने आकृति में जो हम मन में सोचते हैं या देखते हैं उसको देखते हुए उसको उस रूप में ढाल दिया जाता है। बलौदा बाजार से ईटीवी भारत के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।